डिवीजन दावा देने आए थे शिकारपुर के मेरे दोस्त गांधी साहब और भैया साहब पुरानी बातों में मुझे याद आ गई एवका के नाम से या ट्रेजिडी कहो
के जहां पर अपने असल हीरोज को बुला दिया है और अपने नए बुत बनाकर बैठे हुए हैं, गुर्जाता बुत जिनको हम अपने अपने इलाकों में पूछते भी हैं, बिल्कुल इसी तरह हमने अपने उन लोगों को जो पाकिस्तान के इस सारे सिस्टम को सिस्टम बदबूदार सिस्टम है, इसको तो हम घसीट रहे हैं, बड़ी मुश्किल से चल रहा है, लेकिन जो चल रहा है उसमें भी आपका रोल कलीदी है। अगर आप पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन को हटा दिया जाए तो ये अफसरान भी बेबस हो जाएंगे। जब से मैंने मीडिया को ज्वाइन किया है, मीडिया पे एक अरसे से 50 साल से, लेकिन लिखता ज्यादा हूं बोलता कम हूं, तो आज जब मुझे दोस्तों ने यहां दावत दी तो मेरे लिए बड़ी खुशी का बायस है कि मैं पाकिस्तान की उस क्रीम से मुखातिब हूं जो कम से कम अशराफिया से ताल्लुक नहीं रखती, क्योंकि मैं बचपन से जो जुल्कार अली भुट्टो को मैंने जब ज्वाइन किया था 14 साल की उम्र में, और मेरी पहली जेल 14 साल की उम्र में थी, उस वक्त से मैं इस अशराफिया के खिलाफ रहा हूं और उनके खिलाफ लिखता रहा हूं बोलता रहा कि पाकिस्तान की तबाही में अगर किसी का किरदार है तो ये मखसूस खानदान है जिन्होंने तमाम मसाइल पर, ऐवानों पर, इकदार पर और इदारों पर कब्जा किया हुआ है। इस कब्जे को छुड़ाने के लिए अगर आप पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन अपनी जगह पर मुल्क में मुतहद होकर आवाज उठाती है तो उस आवाज को कोई दबा नहीं सकता। ऐसा जरूर होता है क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी तहरीक चला चुका हूं एफआरडी की 1983 से, मैं अभी इस्माइल राव से मिलकर आ रहा हूं, तो मैंने इस्माइल राव से भी ये बात की कि आपके वालिद और मैं दो बंदे थे जो खुफिया तौर पर पूरी सिंध में एमआरडी मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे, और आपका वालिद इतनी तेजी से गाड़ी चलाता था कि मैं कहता था जब तक जनरल रियावत मुझे मारे मारे तब तक आप मुझे मार देंगे, तो वो कहता था आगे बंद करो मैं आपको लाड़काना पहुंचा दूंगा, और मैं आगे बंद करता था मैं लाड़काना पहुंचा था। तो तहरीकें ऐसे नहीं चली है, जद्दोजहद ऐसे नहीं चलती, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। 5-6 साल जेल में रहा हूं, कारगर जेल में रहा हूं, जब भुट्टो को तो शहीद किया जा रहा था तो मैं सरकार के बासी कार्ड में था। आज तो बड़े बड़े लोग पीपल्स पार्टी का दावा करते हैं, उस वक्त पीपल्स पार्टी का कारकुन नजरियाती कारकुन हुआ करता था, नजरियाती ब्रोकर नहीं होता था। तो वक्त की बात है, हमारे लिए शायद अल्लाह ने यही लिखा हुआ था कि ये जद्दोजहद करेगी, उसने अपना किरदार मेरे ख्याल में तारीखी किरदार अदा किया, और उसके नाम बिके न झुके और माशाल्लाह को शिकस्त दी, और मेरे भी किरदार था। 86 का जुलूस मेरे सामने था बेनजीर के, जहां मैं उनके साथ खड़ा हुआ था मखदूम कली को, तो हम तारीख के वो औराक हैं जो शायद नए आने वाले लोगों के लिए तो नई चीज होगी, लेकिन जो पुराने लोग थे उनके सामने हम नए नहीं। लेकिन मैं आज आपसे मिलकर मैं दिल से अपनी खुशी का इजहार करता हूँ, अपने जज्बात का इजहार करता हूँ, क्योंकि आपने जब मुझे दावत दी तो मेरे लिए बड़ी खुशी का बायस थी कि मैं मुझे कोई
बटेरा या जागीरदार नहीं बुला रहा है, वो लोग बुला रहे हैं जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं। सियासत में मैं थोड़ा जल्दी मैं आपसे इजाजत दूंगा कि बहुत सी चीजें ऐसी बोल जाऊंगा, हो सकता है मुझे भी नंगा करना हो जाए, जो है वो मैं कम बोलूं ताकि मैं नंगा होने से बच जाऊं। आजकल सारे लोग नंगे हो रहे हैं, तो पूरा सिस्टम नंगा हो चुका है। चले इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी। आज आप लोगों ने जो हमें इज्जत दी, अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत दे, और पूरे पाकिस्तान से जो साथी मुंतखब होकर आए और खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब से, मैं उनको अपने सिंह की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इस वक्त सोशल मीडिया में अपना रोल प्ले कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो है प्रिंट मीडिया में भी अपना किरदार अदा कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना किरदार अदा किया, आज सोशल मीडिया एक पूरी दुनिया में इंकलाब लाया हुआ है। तो मैं इस वक्त डिजिटल मीडिया एसोसिएशन कराची का चेयरमैन भी हूँ, तो मैं अपनी खिदमत आप लोगों को पेश करता हूँ कि जब जब आपको सोशल मीडिया की खिदमत हासिल करनी हो तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह बाकी वही मिला। थैंक यू। हम दिल की गहराइयों से उनको खुशामदीद।